हेलो रोहन यार, अभी हम एक्चुअली हैं, स्कूल पढ़ता है जो पढ़मगंज में है, ठीक है, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी कुछ काम से आया था मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी घूम लिया जाए। तो अभी जो है सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बट जो एक्चुअल लोकेशन है ये यहाँ पर जो गौरी घाट है पीछे के साइड में आपको दिखाते हैं हम। ये यहाँ पर जो एक नदी है, नदी को उस पार जो गौरी घाट जो कि महू आपका पड़ता है, फिर इस साइड में आप आते हो तो आपको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक जो व्यू है काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ का एक वीडियो शूट करते हैं, ब्लॉग करते हैं। और यहाँ पर एक भाई भी मिले हैं, एक दो लोग, ये लोग जो तो भाई आप आ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, हेलो बोल दो सबको। तो अभी जो आप पीछे देख सकते हो बहुत ही अच्छा, मतलब एक बना रखा है। अभी हम इसको आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, चलिए अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, देखते हैं। तो बाकी जो है इधर आप लोगों का मैं व्यू दिखाता हूँ, जो नदी और इधर ब्रिज है। तो गाइस, ये मुक्ति पथ है जो कि बढ़लगंज में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये जो है मुक्ति पथ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो खूबसूरत व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है महादेव की मूर्ति आप देख सकते हो। पार्क है, थोड़ा बहुत ही छोटा सा है लेकिन अच्छा है देखने में, यहाँ पे मतलब अच्छी चीज़ है। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ हमारे भाई लोग मिल गए हैं, तो आप लोग जो है हाय बोल दीजिए। और भैया हमारे गाइड कर रहे हैं लोगों को क्या बोलना है। पेज को लाइक कर और फॉलो कर, सब्सक्राइब। ये इधर जो है आपका मुक्ति पथ है जिसका मैंने एक आपका दृश्य दिखाया। और सबसे इससे इसमें जो एंटर करने के लिए आपको जो जूते चप्पल आपको बाहर निकालने पड़ते हैं, तो जो जूते चप्पल हैं वो आपको इधर निकालने पड़ते हैं। ये आपका यहाँ पर है जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जूते चप्पल निकालो, कोई चार्ज नहीं लगता है, आप इसके बाद से आप अंदर जा सकते हो। बाकी इधर जो है शमशान घाट है, इधर हम नहीं चल रहे हैं, बाकी इधर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भैया लोग भी अपना फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। हाँ आप बता सकते हैं, हमारे गांव के बहुत अच्छे प्रधान हैं। अच्छा, गरीब दुखियों का हमेशा सेवा करते हैं, ठीक है। और गांव में का जो भी जिसका निधन होता है उनको लेके यहाँ पे आते हैं और सबको सेवा सत्कार करते हैं, ये ऐसे बंदे हैं। बहुत अच्छी बात है। और प्रधान जी कुछ करना चाहते हैं? प्रधान जी कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी तो कहना चाहे, कुछ भी तो कह दीजिए, जनता के लिए कुछ भी तो कह दीजिए। जनता
तो भाई आप लोग देख सकते हैं, लोग बहुत ही मजे कर रहे हैं, पूरे नहा रहे हैं।